एक्सप्रेस है ना, दिल्ली दिल्ली से मुंबई वाला एक्सप्रेस, अभी ये मेरे को लगता है मैक्सिमम खल घाट सिंधवा रोड, ये पूरी होटल है, होटल ग्रीन गार्डन। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाले वीर। तो गाइस, अभी हम रात को यहाँ पे रुके थे इस ढाबे पे, अभी चल कर दी हमने अपना सफ़र स्टार्ट, तो अब निकलते हैं आस्ते आस्ते। ये गुजराती ढाबा है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ती हैं यहाँ पे, हमको भी रुकना पड़ा रात को यहाँ। तो गाइस, ये आ गए हैं शेरपुर में, शेरपुर अब थोड़ा सा आगे जाके महाराष्ट्र बॉर्डर एंड हो जाएगा, फिर वहाँ से आगे सिंधवा बॉर्डर आएगा, तो सिंधवा से फिर एमपी स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी महाराष्ट्र में ही है, तो देख लो इधर कितना मस्त सुबह सुबह कितना मस्त लग रहा है। ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, तो अभी फ़ोन करेंगे आगे उसको, लसन वाले को भी फ़ोन मार के रखेंगे, अगर बन जाए आज ही शाम तक तो ठीक है, ये तो सुबह लोड करके जाएंगे। क्या करें यार, इतना दूर है ना, थोड़ा तेल खर्चा कुछ बन जाएगा, बेंगलोर से पहले ही कम रेट में आ गए हम, तो चलो चल रहे हैं आस्ते आस्ते। तो महाराष्ट्र को भी आज कर देंगे बाय बाय, कल कर्नाटका को किया था, आज महाराष्ट्र को कर देंगे। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं, तो फाइनली गाइस महाराष्ट्र को करते हैं अभी यहाँ पे बाय बाय, महाराष्ट्र को बाय बाय करने का टाइम आ गया। देख लो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे, और अभी यहाँ से निकलेंगे बाहर। सीधा बाहर हाईवे पे निकल रहे हैं, ये महाराष्ट्र का बॉर्डर था, अभी आएगा आगे एक घाट और आ गया गाइस, देख लो खोली घाट है, खल घाट इंदौर 174, शिवपुरी 570, आगरा 810। थैंक यू फॉर विजिट अगेन। ये पूरी इधर ही डर लगता है रात को बंदा, इसीलिए हम रुक गए थे, तो अभी चल रहे हैं आस्ते आस्ते चढ़ाई में। देख लो दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी चढ़ती है यहाँ से 20 की स्पीड में। वहाँ पे एक मंदिर भी है साथ में, वो सामने पब्लिक आती है यहाँ। खल घाट सिंधवा रोड, अभी सिंधवा आने वाला है ये घाट क्रॉस करके, तो अभी चढ़ रहे हैं चढ़ाई में। देख लो यहाँ पे ये सामने मंदिर, बड़े बड़े कंटेनर आ रहे हैं जा रहे हैं, एक वो उधर देखो जा रहा है, अभी दो जा रहे हैं गट्ठे, मस्त घाट है ये देख लो। तो गाइस यहाँ पहुंच चुके हैं सिंधवा बॉर्डर में, बहुत टाइम लग गया यहाँ पे भी, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, और अभी देख लो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। तो गाइस कांटा करवा लिया है अभी, और अभी गया भाई पर्ची उधर लेके, साहिल भाई ले आया पर्ची लेके, वहाँ पे एंट्री करवा के आएगा। तो चलो अभी पहले यहाँ पे वेट कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, पहले जब वहाँ से गेट छोड़ेंगे। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम नर्मदा रिवर के पास, ये रहा वो नर्मदा रिवर, ये गुजरात में भी यही होता है और यहाँ पे भी,
अब ये जो रिवर से पहले एक ब्रिज आता है खरगोन को तरफ रास्ता जाता है, अरे रिवर क्रॉस करके। यहाँ देखो लोग कितने दूर दूर से आते हैं, नर्मदा रिवर का नज़ारा देख लो भाई लो। ये हम जब गुजरात को गए थे उधर भी ये रिवर मिला था हमारे को, यहाँ पे भी है। जाने वाली गाड़ियों वो उधर जाती है। जम्मू कश्मीर में हमारे इलाके की गाड़ियों जा रही है गाइस, देख लो यार तेजी यार। तो चलो गाइस अभी पहुंच गए हम, तो इस कंटेनर वाले को करते हैं ओवर टैग। गाइस देख लो कितना लंबा कंटेनर है, नर्मदा क्रॉस करके अभी आ गए हम खलघाट में। तो गाइस फाइनली इधर पहुंचे हूँ यहाँ पे, ये कुछ इस तरह की जगह में ये ढाबा है अपने उधर का, ये राजस्थानी ढाबा है। तो अपना खाना नहा धोकर हो गए हम फ्रेश, अभी खाना वाना खाते हैं तो फिर चलेंगे आस्ते आस्ते। देख लो ये डब्बा है यहाँ पे, खाए के अभी खाना। तो गाइस नहाने धोने के बाद ना फ्रेश फील कर रहा है बंदा, बंदा सोचता है यार चलो मतलब अच्छे संतुष्टि हो गई है। अब बैठे यहाँ पे ढाबे पे ये खाना शाना वगैरह, फिर दिखने के लिए अपना गाड़ी भी दिखाते हैं। ये रहा ढाबा और वो रही अपनी गाड़ी खड़ी उधर। क्या लगाना भैया? क्या क्या है खाने में? दाल फ्राई, दाल तड़का, सेव, टमाटर, मिक्स वेज, पालक, चना मसाला, उड़द चने की दाल, दाल मखानी, आलू पालक, आलू गोभी। एक दाल तड़का लगा दे, एक एक सेव भाजी हाफ हाफ दो। मीडियम बराबर ही। तो गाइस अपना खाना आ गया, अभी खाना वाना खा के फिर जाएंगे। ये रहा अपना खाना, दाल सेपा जी। तो चलो खाना खा लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं। चल रहे हैं चढ़ाई, ये गुजरी घाट। यहाँ पे एक ट्राला ख़राब हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर है। गुजरी घाट कर दिया हमने क्रॉस, अभी आएगा आगे मानपुर, मानपुर फिर लिबर्ट बाईपास, उधर से होते हुए जाएंगे। तो अपना चल रहे हैं बस, अपना सफ़र कंटिन्यू ही है। यहाँ से लेफ्ट को घूम जाएंगे लिबर्ट वाली साइड में, ये सीधा रोड जो गया ना इंदौर को गया सीधा, हम यहाँ से बाईपास ले लेंगे क्योंकि बाईपास ही लेने में ही फायदा है। सीधा इंदौर को गया ये, इंदौर, उज्जैन, आगरा, आगरा इधर से भी जाता है और यहाँ से भी जाता है। ये लिखा है वेलकम टू लिबर्ट मानपुर फोर लेन हाईवे, हाईवे का तो नाम है, बस खड्डे खुड्डे देखना आप कैसे मिलेंगे हमारे को। 34 किलोमीटर है अभी ये बाईपास, लंबा बाईपास है ये। चलो अपने सफ़र को दे, ये देख लो ये जो बैठा है ना ये रात को ये कमेंट करते हैं, अभी ये बैठे हैं मज़े से। तो गाइस रतलाम पार कर दिया, अभी हम जोरा के आसपास में पहुंचने वाले हैं रतलाम क्रॉस करके। तो अभी जोरा फिर मानसोर वगैरह होते हुए सीधा नीमच, अभी चल रहे हैं आस्ते आस्ते। तो गाइस आपको एक और नई खुशखबरी दे देते हैं, इधर की एक्सप्रेस है ना दिल्ली से मुंबई वाला एक्सप्रेस, अभी ये मेरे को लगता है मैक्सिमम क्योंकि फुल तैयारियों में देख लो काम इसका ये चला हुआ है। ये देख लो चूना वगैरह, ये पार्किंग लगाई की हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये जल्दी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है क्योंकि ये देख लो
पूरा तैयारियों में है, पूरा मतलब सफ़र बहुत शार्ट हो जाएगा, सफ़र भी शार्ट होगा, टाइम भी बचेगा भाई, देख लो। तो हर कोई ड्राइवर भाई सोचता है यार मतलब रास्ते में दिक्कत ना आए, ये एक्सप्रेस जब चल पड़ेगा तो टेंशन नहीं है। वडोदरा से होके ये इधर रतलाम, इंदौर, सीधा मुंबई, मतलब मस्त रहेगा। मुंबई वाली गाड़ियों को तो बहुत बढ़िया रहता है, खर्चा तो होगा इसमें, टोल तो लगेंगे, लेकिन एक बात है जितना चलेगी गाड़ी उतना ही टोल लगेगा। तो आगे कहीं चाय वाय पियेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लगातार चल रहे हैं। नीमच वाले को करें फ़ोन, क्या बोले? लसन वाले को कर दे। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं इधर मानसूर में, बाहर से दिखाते हैं आपको बाहर का मस्त। ये मानसूर का मार्केट है यहाँ पे। अभी यहाँ से नीमच रह गया है 60 के आसपास होगा, कितने 60 किलोमीटर आइडिया। तो गाइस पहुंच चुके हैं फाइनली इधर हम नीमच में हैं। ये रहा ये होटल है, होटल ग्रीन गार्डन, और सामने उधर भी बोर्ड लगा हुआ है होटल ग्रीन गार्डन का, और ये गाड़ियां भी खड़ी है यहाँ पे है। तो ये देख लो कितना मस्त होटल है, मतलब यहाँ पे लोग टूरिस्ट भी आते हैं लोग। तो अभी अंदर उधर भी चल के दिखाएंगे, अपनी गाड़ी कर दी साइड में, पार वाली गाड़ी साइड में। तो अभी यहाँ पे ये पीछे देख लो, हमारे पीछे गुजराती होटल है, यहाँ पे खाएंगे खाना वाना तो फिर सो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सुबह लोड करना ना हमने यहाँ से माल, लहसुन लहसुन वगैरह डाल के जाएंगे यार कुछ बन जाए वहाँ से, पहले थोड़ा कम रेट में भर के आगे। तो 7 टन रेट है अपने, 7.5 टन तो डाल लेंगे, 3-4 टन और यहाँ से आगे तो टेंशन नहीं है अपना, बार्डर वोटर की भी मतलब एक बार्डर है। तो चलो पहले चलते हैं खाना वाना खाते हैं। अभी क्या खाना खाने लगे? अभी खाना वाना खाएंगे तो फिर जाएंगे गाड़ी में आराम से सो जाएंगे। देख लो होटल कितना मस्त है, गुजराती होटल है ये, गुजराती मस्त खाना वाना होता है यहाँ पे। तो हमने सोचा सेफ्टी भी है, ऊपर से गाड़ी की सेफ्टी भी है, मतलब कैमरे चूरे लगे हैं, सीसी कैमरे वगैरह। तो चलो खा लेते हैं पहले खाना, देख लो इधर कितने लोग बैठे हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको, देख लो कितना मस्त सब सफाई बढ़िया रहती है इनके होटलों में। गुजराती होटल है यहाँ, होटल ग्रीन, वो उधर भी लिखा है होटल ग्रीन गार्डन। चलो अभी तो गाइस अपना खाना आ गया, अभी खाना वाना खाएंगे, ये रोटी और ये अपना सब्जी वगैरह खा लेते हैं। तो खा के फिर अपनी गाड़ी में ही जाके व्लॉग को एंड करेंगे।